पुष्पेंद्र जी आप भी गवाह हैं, हमने हमेशा कृषि कानूनों का दोनों पक्ष दर्शकों के सामने रखा है, किसानों की आवाज भी बुलंद करते रहे हैं और किसानों ने जब जब इंटरव्यू दिया है आज तक के जरिए वो दर्शकों के सामने पहुंचा है। अब क्या होगी आप लोगों की आगे की रणनीति? पुष्पेंद्र जी देखिए, मीडिया ने जो भी सहयोग हमारा दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और निष्पक्ष रूप से आज तक ने जो है इसकी प्रसारण किया है, इसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूँ। हम प्रधानमंत्री जी का भी जो है साधुवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम एक मांग जो थी वो कृषि कानूनों को वापस लेने वाली वो मान ली है। हम कोई किसी का मस्तक नीचे करने, किसकी बेइज्जती करने, ये उद्देश्य हमारा नहीं था। दूसरी जो मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी वाली, हमारा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन एक साल इस आंदोलन का पूरा होने जा रहा है, उससे पहले यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मांग को भी मान लेते और बाकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उनके लिए कमेटी बन जाती तो इसका जो है बड़ा अच्छा निस्तारण हो जाता समस्या का और सहसम्मान किसान अपने घर लौट जाते। तो हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि अब भी समय है, उसको भी कर दें और छोटे किसानों के लिए वैसे भी एमएसपी की लीगल गारंटी बहुत ज्यादा आवश्यक है। सारे देश के किसान चाहते हैं कि उनको फसलों के अच्छे दाम मिले और हमें आशा है कि आगे आज जय जवान जय किसान का नारा देते हुए इस काम को किया गया है, आगे बाकी काम भी कर दिए जाए। जी केसी त्यागी जी, एक किसान नेता के तौर पर भी आपने अपनी आवाज बुलंद की है, आप एनडीए में गठबंधन में हैं, बावजूद इसके कृषि कानूनों पर आप बोलते रहे, आज जब सरकार ने वापसी की है एमएसपी का मुद्दा कहां पर टिकता है और क्या सरकार के इस फैसले का आप लोग समर्थन करते हैं? एक बतौर किसान नेता के तौर पर भी मैं आपसे पूछ रही हूं। अंजना जी, मैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की फिराक दिली का, लोकतांत्रिक मूल्यों में जो उनकी आस्था है उसका स्वागत करता हूं। ऐसे अवसर बहुत कम देश की राजनीति में आए हैं। मुझको पंडित नेहरू का भी स्मरण करता हूं मैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कई अवसरों पर खेद व्यक्त किया। आज प्रधानमंत्री जिस दिन लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, मुझको आज वो उस दिन से भी बड़े लगे हैं जब उन्होंने किसानों के जो हुई तकलीफ है उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की है, वो और बड़े आज हो गए हैं। जहां तक आज तीनों कृषि कानूनों को वापिस लेने का सवाल है, ये ना किसी की जय है ना किसी की पराजय है, ये किसानों के संगठन उनकी एकता की जय है। और ना ये मैं अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं, और अंजना जी आपको पता है हमने कभी नहीं कहा कि किसानों की जो वर्तमान हालत है वो खाली 7 वर्षों में हुई है और 70 वर्षों में भी नहीं हुई है। किसानों के शोषण का सिलसिला बहुत लंबा है और समय का चुके बहुत अभाव आपके पास रहता है। ये अंजना जी रूरल डिस्ट्रेस है, फार्मर एक्सप्लोइटेशन है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड इनके पक्ष में नहीं है और एमएसपी तय करने का तरीका भी ठीक नहीं है और अब लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये किसानों की संगठनों की मांग है। मैं एक चीज के लिए जरूर किसान संगठनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने आपके चैनल पर अपने प्रारंभिक संबोधन में भी कहा था कि इस आंदोलन की सफलता के 2 यार्डस्टिक्स होंगे, एक तो इसको शांतिपूर्वक होना है गांधी जी के आंदोलन की तरह से, दूसरा इसका राजनीतिक दलों से जितना परहेज होगा उतनी इसकी उम्र लंबी होगी, मुझे प्रसन्नता है। छुटपुट वारदातों को छोड़ करके ये चंपारण और बारडोली के किसान सत्याग्रह की तर्ज पर चला है जिसकी वजह से आज सफलता मिली है। और दूसरा ये तमाम राजनीतिक तिकड़म बाजों के बावजूद भी आज तक किसान संगठनों ने, एसकेएम ने किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को न झंडा अपना फहराने दिया, न डंडा अपना फहराने दिया और न मंच उनके साथ शेयर किया। तो आज की जो किसान आंदोलन की सफलता है, जो तीनों कृषि कानून वापिस हुए हैं, इसका श्रेय इन्हीं दोनों बातों को जाता है। जहां तक एमएसपी का आपने सवाल किया है तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं, किसान संगठनों की पहली मांग थी कि हम जब तक वापिस नहीं जाएंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापिस नहीं होंगे। आज प्रधानमंत्री ने दरिया दिली दिखाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, इसलिए वो आंदोलन का पर्पज तो खत्म हो गया। जहां तक एमएसपी की बात है तो हम अब भी चाहते हैं, हम पहले भी कह चुके थे कि जो सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी है उससे एक आना कम पर भी किसान को बेचने का मौका नहीं देना चाहिए और उससे कम पर बिकता है वो तो दंडीय अपराध माना जाए। हमारी आज भी राय है, कल भी राय है
और मैं अकाली दल के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर के वो अलग हुए थे, जनता दल यूनाइटेड और अकाली दल इस एनडीए के पिलर हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, दिखाइए तो सिरसा साहब को दिखाइए, काले कानून वापिस हो गए हैं, तो बहन हरविंदर को अकाली दल के हमारे साथ ही एनडीए का हिस्सा बनेंगे। और पंजाब में इसका विशेष महत्व इसलिए है कि करतारपुर कॉरिडोर का दरवाजा भी प्रधानमंत्री के प्रयासों से खुला है और पंजाब के किसानों के लिए अतिरिक्त तोहफा है। हाँ, 29 तारीख को जब पार्लियामेंट खुले, इतना हम जरूर प्रधानमंत्री से, एनडीए के नेताओं से, सभी दलों से कहना चाहेंगे कि जो 600 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं उनको भी एक श्रद्धांजलि लोकसभा में राज्यसभा में दी जानी चाहिए, उनके परिवारों के पुनर्स्थान की स्थापना के लिए भी कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। और तीसरा, कानून जो है, कानून पहले भी वापिस हुए हैं, शाहबानों में हमारे मित्र पटवारी जी की पार्टी ने कानून बना करके वापिस लिया, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश इन्होंने वापिस लिया, इसलिए अगर प्रधानमंत्री वापिस ले रहे हैं तो ये उनकी पराजय नहीं, ये उनकी और किसान एकता की दोनों की जय करके मैं मानता हूँ। ठीक है, संबित पात्रा जी को दिखाइए, मैं मंजिंदर सिंह सिरसा साहब की प्रतिक्रिया इस पर लूंगी, लेकिन संबित जी इससे पहले आपसे रक्षा पर्व पर बात हुई थी, किसानों के मुद्दे पर बात करते हैं, ये क्यों ना कहा जाए कि यह फैसला सरकार की तरफ से चुनावी वक्त पर लिया गया है, चुनावी मजबूरी है ये, क्योंकि ये वही आंदोलन है ना जिस पर आप लोगों ने आंदोलनजीवी आतंकी वहां घुस गए हैं, एक विरोध दिखता रहा संबित जी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों ने लकीर लांग दी, कुछ लोगों ने उस दायरे में रहते हुए इसकी आलोचना की, लेकिन कुल मिलाकर कृषि कानूनों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उस पर बीजेपी का बड़ा सकारात्मक रुख नहीं था, कोई नेता उनकी सुद नहीं लेने गया, तो आज क्यों ना कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को रोकने के लिए ये आपके लिए चुनावी मजबूरी थी। जो ये हम पे आक्षेप लगाया जा रहा है कि चुनावी कंपल्शन के कारण, कि चुनाव आ रहे हैं उसके कारण से ये बिल वापस लिए गए हैं, ये कानून वापस लिए गए हैं, और दूसरा कि इससे पूरा का पूरा एक परिवेश किस प्रकार का बनता है। देखिए, जहाँ तक चुनाव का संबंध है, जहाँ तक राजनीति का संबंध है, 28 सितंबर 2020 को ये कानून पारित हुए पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद अनेकों राजनीतिक उठापटक देश में हुई हैं, अनेकों चुनाव इस देश में हुए हैं। आप याद करिए, आसाम में हमने सरकार बनाया, इसके बाद हुआ था, कानून पारित होने के बाद हुआ था। हमने बंगाल में 3 सीटों से 77 सीट तक का सफर तय किया, यह भी कानून पारित होने के बाद हुआ था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हमने जीता, पुडुचेरी में पहली बार हमारी सरकार बनी, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। गुजरात के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में 44 में से 41 सीट हम जीत के आए। अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी आसाम में 5 में से 5 सीट हम जीते, बाकी बहुत सारे, तेलंगाना में पहली बार हमारा बहुत बड़ा विजय हुआ है, इस प्रकार से हमने हुजूराबाद का सीट जीता है। तो इसे मुझे लगता है राजनीति और सीट जीतने के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, उन्होंने एक स्टेट्समैनली एटीट्यूड दिखाया है, और बिल्कुल सही, चाहे पुष्पेंद्र जी हो चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, दोनों ने धन्यवाद किया है। देखिए, ये किसी की जीत किसी का हार नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने आज देशवासियों से क्षमा मांगा है। किस लिए क्षमा मांगा है? इसलिए क्षमा मांगा है कि ये कानून तो किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए थे, ये कानून सत्य निष्ठा से बनाए गए, इस कानून के पीछे नीयत बिल्कुल अच्छी थी और ये कानून प्रगति के लिए थे, मगर किसानों के एक वर्ग को समझाने में जिस तपस्या की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उस तपस्या में, उस एक वर्ग को समझाने की तपस्या में त्रुटि रही, जबकि इस कानून की सत्यता जिस प्रकार दीपक से प्रकाश निकलता है उस प्रकार की सत्यता है, मगर फिर भी हम एक वर्ग को समझा नहीं पाए, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं क्षमा याचना करता हूं कि एक वर्ग को मैं समझा नहीं पाया।